बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह यानी SHG के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी देंगे, जिन्हें कृषि सखियों के रूप में परीक्षित किया गया है। इससे वह पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में काम कर सकेंगी और साथ ही किसानों की खेती के कामकाज में मदद भी कर सकेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को इस बात की जानकारी देते हुए कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। कृषि मंत्री ने कहा, पिछले 2 कार्यालयों में कृषि हमेशा प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किए। 2019 में की गई पीएम किसान एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 2,000 रुपए 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र के इस योजना की शुरुआत से अब तक देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 3 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए हैं।